अभी संवाद 2494 वैशाख वद नौम संवाद तारीख 20/5 असर ना दिने पूज्य श्री कांजी स्वामी नो श्री समय सार शास्त्र में कर्ता कर्मधिकार की गाथा 73 ऊपर स्वर्णपुरी में प्रवचन समय सार शास्त्र ना तरण प्रवचन नंबर 512 नमो नोये सौरियंता नमो नोये सौदान नमो नोये सौरिया नमो नोये सौजयन नमो नोये सौ त्रिकालवती श्रावण ओंकार मिंदु संयुक्त नित्यं जयंती योगिन कामद मोक्षद से ओंकाराय नमो नम मंगलम भगवान मंगलम रूपमूर्ति मंगलम कुंकुंडारी उजेन्द्र मंगल नम समय सांसार में गाथा चलती है उसकी टीका क्या अधिकार है या कर्ता कर्म अधिकार है तो पहले धर्म पाया पहले आत्मा कैसा है उसका निर्णय करते हैं सम्यक दर्शन हुआ पहले पहला क्या करना वो कहते हैं पहला क्या करना आ करना हम कहते हैं अनिल जी कहते हैं ना पहला क्या करना हमारे और बात चलती प्रथम क्या करना वो अपन की करना ही नहीं प्रथम क्या करना था ऐसी वस्तु ऐसा निर्णय करना एम कहते हैं समझ में आया वो माटे अधिकार अमृतचंद्र आचार्य लिया है कि सम्यक दृष्टि हुई पहले ज्ञानी विचार करता है ऐसा लिखा है अपनी ज्ञानी विचार करता करती हो सौद्र है वो तो है वो पर सम्यक दर्शन जिसको प्राप्त होना है जिसको धर्म की पहली सीढ़ी जो धर्म शुरुआत होता है उसका प्राप्त होता है तो उसके पहले क्या करना वो कहते हैं मैं य प्रत्यक्ष अखंड ऐसा निर्णय करना मैं आत्मा आ प्रत्यक्ष मैं चीजें प्रत्यक्ष स्वरूप ही हूं और वर्तमान में प्रत्यक्ष होने के लायक मेरी शक्ति है ऐसा उसको पहले निर्णय करना क्वेश्चन में देखो जिसको सम्यक दर्शन ने धर्म की पहली प्राप्ति करना हो उसने उसके पहले क्या करना कि जैसी आत्मा है ध्रुव ध्रुव की यहां बात सकल निरावरण अखंड प्रत्यक्ष चैतन्य मूर्ति भगवान एक समय में मैं आ प्रत्यक्ष उसमें प्रत्यक्ष होने वाला वो वस्तु प्रत्यक्ष है वस्तु प्रत्यक्ष है वो वस्तु प्रत्यक्ष है तो निर्णय करने वाला कहते को वस्तु में प्रत्यक्ष होने लायक ही हूं मैं तो प्रत्यक्ष हूं समझ में आया तो मुनिपणा श्रावकपणा तो पीछे रहा कौन सम्यक दर्शन प्रथम धर्म का पहला पाया उसकी पहले क्या क्या क्रिया है वो क्रिया कहते हैं देखो है विकल्प सहित की विचार था विकल्प नाम राग मिश्रित विचार है मन का साथ राग मिश्रित विचार है आखिर सम्यक दर्शन नहीं पर राग मिश्रित विचार में भी मैं कौन हूं ऐसा निर्णय करते हैं समझ में आया मैं यो प्रत्यक्ष अखंड मैं अखंड हूं मैं वस्तु हूं तो अखंड हूं वस्तु में खंड नहीं वस्तु अखंड है सब मिलकर नहीं है आत्मा पूर्ति अखंड निजी अखंड आत्मा है अखंड प्रत्यक्ष अखंड और अनंत चिन्ह मात्र ज्योति मैं तो अनंत जो चिन्ह है ज्ञान है ज्ञान मात्र कहता उसमें राज नहीं विकल्प नहीं संसार नहीं उदय भाव कुछ नहीं मैं तो अनंत चिन्ह मात्र जिसका स्वभाव बेहद अनंत
अंत नहीं ऐसा अपरिमित अनंत चिन्ह मात्र ज्ञान मात्र तत्व ध्रुव विवाह पैदा करना है। कसाई मन करना कि नहीं, पहले पहले व्रत आदि पालना कि नहीं, पहले दया आदि व्रत आदि लेना, पीछे सम्यक दर्शन होता है। वो कहते हैं भी कि पहले तुम चारित्र ले लो, उन चारित्र से पीछे तुम्हें स्वर्ग में जाएगा, स्वर्ग में भगवान पास है जाएगा, क्या संकेत मिलेगा, जाओ हम कहते हैं। तो सब छपाया जाता, समझ में आया, ऐसा रिकॉर्डिंग छप गया है, रिकॉर्डिंग वो कुंभोज से, कुंभोज नहीं शंकराई देशभूषण, देशभूषण कुंतल गिरी, कुंतल गिरी है ना, वो देशभूषण यहां से छप गया है, शांति सागर तरफ से है, आ गई है सब, यहाँ तो आते हैं ना सब, जो लेकिन मुकल बेट तरीका थी। चारित्र ले लो पहले, चारित्र पर संगत दर्शन में ना चारित्र कहां से आया, समझ में आया। चारित्र तो स्वरूप की दृष्टि का अनुभव हुआ, उसमें चरना रमना लीन होना का नाम चारित्र है। चारित्र जी है संगत दर्शन करा तो गया, कर उसके कोई अपना है ही नहीं है तू, यहाँ तो आत्मा चिंतन भी नहीं, वो तो विकल्प है ठीक है। आत्मा पुण्य पाप महाव्रत आदि क्रिया से रहित है, महाव्रत तो है नहीं उसको अज्ञानी को, पर कोई विकल्प है वो नहीं। मैं तो पहले ऐसा चिन्ह करने का, मैं अखंड तटक अनंत चिन्ह मात्र, बेहद ज्ञान मूर्ति चिन्ह मात्र हूं, ऐसा ज्योति ऐसी चिन्ह मात्र ज्योति हूं, ऐसा विकल्प द्वारा राग द्वारा सन्यक दर्शन पाए पहले ऐसा निर्णय करते हैं, वो बात करती है। वो समझ में आया, आ तो बहुत सरस बात है। पहले आ करना, पहले क्या करना, फिर एम के आत्मचिंतन तो करना, आत्मचिंतन का अर्थ क्या, आत्मा ऐसा है उसका सारा निर्णय करना, हम तो आत्मचिंतन आत्मचिंतन करते हैं सब लोग, समझे, आत्मचिंतन में मोक्ष नहीं होगा, पर आत्मचिंतन का अर्थ क्या, ऐसा आत्मा पहले ऐसा विकल्प द्वारा निर्णय करना, वो भी हजी राग है, पीछे सदा सन्मुख होकर विकल्प को सूट डालना छूट जाता है, तब तो निर्विकल्प सम्यक दर्शन होता, समझ में आया। अनंत चिन्ह मात्र का वस्तु एक है, और अनंत कैसे आया भाई, अनंत नाम जो वस्तु है उसका जो ज्ञान स्वभाव है, ज्ञान स्वभाव स्वभाव की मर्यादा ही न होती, स्वभाव अनंत ही है, अनंत अनंत ज्ञान, तरण काल तरण लोक को जाने और इससे भी अधिक हो तो भी जाने, ऐसा हमने ज्ञान अनंत हो ऐसा अंतर निर्णय करते हैं। मैं निमित्त मैं हूँ, मैं कर्म सहित हूँ, मैं राग सहित हूँ तो बात है ही नहीं, और मैं एक समय की पर्याय वाला हूँ वो भी नहीं है। मैं कर्म सहित हूँ, मैं आवरण सहित हूँ, मैं उदय सहित हूँ, उदय नाम राग, उसकी बात तो है ही नहीं, कैसा है नहीं, और एक समय की पर्याय जैसे मात्र हूँ वो भी नहीं, समझ में आया। एक समय की पर्याय है प्रगट व्यक्त अनंत गुण की, इतना भी नहीं, मैं तो अनंत चिन्ह मात्र ज्योति हूँ, ध्रुव बात ऐसे कभी अभ्यास किया नहीं, सुना ही नहीं, तो पहले तो ऐसे लगे क्या कहते हैं, कहीं समझ में आता नहीं, नहीं अरे थोड़ा थोड़ा मुझे कर्म नहीं है, पर कर्म कर्म में है कि आत्मा में है, कर्म कर्म पर बेगा ये भी आता, बेगा हो तो बे कर्म कर्म में राग से आया, कर्म कर्म में रहा, राग राग में रहा, एक समय की पर्याय अंश में रहा, इतना में नहीं एम कहते भिणा हूँ ऊंधा भिणा मधु भिणा समझे पिड़िया पढ़िया है, सब ऊंधा पढ़िया है,
उल्टा आजकल आजकल भाव आत्मा एक आजकल भाव नहीं चार पांच सौ दीकरी अमरा चिमन भाई नो दीकरी क्या गया चिमन भाई हाँ ये कार्य था ઘીના પૈસા ગોળના પૈસા ચોખાના પૈસા એમ નો હોય ખરીદવા જાય ક્યાં કે લાવો ભાઈ ચોખા પૈસા ઘીના પૈસા લાવો મેં તો ઢાકલો ઠીક વ્યવહાર ઢાકલો ઠીક એ ઘીકા પૈસા લાવો તો ઘીકા પૈસા હોતા ભૈયા ઘી પીવું લઈ આવે કોઈ ખરીદ કરી હોય તો આવે કોઈ પાંચસો ઘી તમે લઈ આવ્યા ઘી કા પૈસા લાવો તો ઘી કા પૈસા હોતા પૈસા ઢાકલો ઠીક આ લોકી પણ લોક ને જરી ગ્રાય થાય એવો ડાકલો છે એના ભાઈ વર ને અનવર ની વાત થઈ બહુ ભાઈ કોઈ વ્યવહાર હે તો અણવર હે વ્યવહાર સમજે હું અણવર સમજતે કે નહીં વર ને અણવર અણુવ્રત નહીં અણવર આ લગ્ન હોતા કે નહીં દુલ્હા કા તો સાથ મેં એક રહેતે કે નહીં ક્યાં કહેતે હૈ અણવર દુલ્હા કે સાથ એક અણવ રહેતે કે નહીં તો વર નહીં પણ અણવર એમ છે ખાસ વર નહીં અણવર વર નહીં એ સારે પણ વો અણવર કહેતે હૈ તો ઉસકો ભોજન ભોજન મિલે પણ કઈ કન્યા મિલતી હૈ ઉસકો સાથી બેસે પંચોળમાં પંચો સમજે પાંચ જણા બેસે મારા થાવને થાવને બેસે બરફી આટા ઊંચી ઊંચી ચીજ કે નહીં પણ કન્યા દેતે એસે ભગવાન આત્મા અંતર કા અનુભવ નિશ્ચય કરે તમને દર્શન જ્ઞાન ચારી મોક્ષ કી કન્યા મિલતી હૈ બીચ મેં દયાદાન ભક્ત કા વ્યવહાર આતા ઉસકો કન્યા મિલતી હૈ બરોબર હૈ અજીત પ્રસાદજી એ અમારા બાબુભાઈ દર્શન દેતે હૈ આપણે તેવા દર્શન નહીં તો આપણે અણવર તો થઈ જશે એક વાર હા હા અમારા ભાવભાઈ ના લગ્ન માં અણવર હતો ચોસઠ ની સાલ માં એના પાલિસ ની પાસે ચાલેલો ને એના લગ્ન થાય પછી કોઈ મને આપણે દેશ લેશું ભાઈ નંબર સમજાણે ચોસઠ ની વાત છે સનમાં તો 1964 એમ કે અહીં તો કહેતે હૈ કે વ્યવહાર કો મુક્તિ નહીં વ્યવહાર સે મુક્તિ હોતી વ્યવહાર સે કઈ સ્વર્ગ આદિ મિલે બાય માં લડ્ડુ જેમ ખાય એમ સ્વર્ગ મિલે એસા સંયોગ મિલે પણ આત્મા કો મુક્તિ મુક્તિ તો આત્મા કા સુચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ કી દ્રષ્ટિ જ્ઞાન રમણતા સે મિલતી હૈ અપના નિશ્ચય સ્વભાવ કા આશ્રય કરકે દશા હો સે મુક્તિ મિલતી હૈ વ્યવહાર સે મુક્તિ મુક્તિ મિલતી કેમ જરા ભાઈ એમ આ પૈસા ગોળના પૈસા ચોખાના પૈસા લાવો ઘઉંના પૈસા લાવો ઘઉંના પૈસા ઘઉં ઘઉં ઘેવું ઘેવું લઈ આવો ને પાંચ મણ લઈ આવો લાવો ઘેવું કા પૈસા લાવો ઘેવું કા પૈસા હોતા એ બા એ તો બોલને કી ચીજ હૈ ઘેવું કા પૈસા નહીં પણ હમારા લેણા હૈ વો દો એ ઉસકા પૈસા હૈ હમ તમારી પાસ માંગતે હૈ એ લાવો ઉસકા હૈ ઘેવું કા પૈસા ઘઉંના પૈસા હોતા હૈ એમ યા કહેતે હૈ આત્મા કા રાગ આત્મા કા રાગ આત્મા કા કર્મ હોતા હૈ આત્મા કા રાગ કર્મ હોતા હૈ નહીં સમજ માં આયા હજી પ્રસાદ ક્યાં કોણ હૈ આવો નજીક આ રહે નજીક આવો દૂર ક્યું બેઠે ઇધર આવો ઇધર અહીંયા અહીંયા આવો અહીં તો તમારા માટે પેલી જીગ્યું રખી ભાઈ અહીંયા રાખો અહીંયા પીછે જો બેઠે પેલા અપરાધ તમારા એમ કહેતે એમ તમારા પંડિત કેમ પીછે કેમ બેઠે આ તમે સારા બોલો ક્યાં કહેતે નહીં કુછ નહીં સંબંધ હૈ પ્રતક હૈ કર્મ કિસકો મળતે કોઈ મળતે નહીં કોણ કહેતે મળતે હા કોણ કહેતે હમ તો કહેતે નહીં નહીં કહેતે હી નહીં અપના શુભ ભાવ હૈ રાગ ઉસે ઉસકો વિકાર તો શુભ રાગ ખરેખર તો અપના હી નહીં કર્મ તો અપના હૈ નહીં જડ તો પણ કિસકો મિલતે આત્મા કો મિલતે તો બહાર રહેતા હૈ
कर्म से बाहर संयोग मिले तो बाहर की चीज है, आत्मा को क्या मिला? जड़ से निमित्त हो तो वो भी जड़ तो निमित्त है, बाहर की चीज आई है तो उपादान से आई, अपने कर्म से आई है, उसमें कर्म निमित्त है, निमित्त को लाया नहीं, पर आई थी तो पर आत्मा को क्या मिला? आत्मा तो उसमें है नहीं, जो चीज आई उसमें आत्मा नहीं और आत्मा में वो चीज नहीं, तो कहां से आया आत्मा में? समझ में आया? अरे मिला क्या मिला? झूठ मिला उसको मिला क्या? मिला क्या? मिला थोड़ा है उसमें, यानी मायना है कि मेरा है तो ममता भी ले उसके पास, हाँ तो पर है पर ऐसी है भैया बात, शरीर है क्या? जब के जब अपने में है, पहली अस्थि नास्तिक है यानी के स्वरूप से अस्थि है पर रूप से पहला दो बन आया कि नहीं? कौन खिलाते? खिलाते कौन है? तो विकल्प आता है, उत्कन आने वाला हो तो आते हैं, खिला रहे कौन, पर घबरा रहे कौन? तो जड़ की क्रिया है, जड़ की क्रिया आत्मा कभी कर सकते है नहीं, मूल बात ऐसी है, मिले कुछ को मिले, शरीर तो आत्मा है कि अपना द्रव क्षेत्र का अभाव में है और पर का द्रव क्षेत्र का अभाव से है कि नहीं? वो पहले कहो, तो पहला प्रश्न है, सप्तभंगी का पहला प्रश्न है, जैन दर्शन का नहीं, वस्तु का दर्शन। देखो अंगुली है, ये अंगुली अंगुली से है बराबर है, अंगुली से नहीं है, क्यों अंगुली कब जाए कब चली जाए? क्योंकि वो अंगुली से अंगुली नहीं है, अपने सहन पर से हम आत्मा अपने सहन शरीर से कर्म से नहीं है, वो तो पहली साधारण बात है। समझ में आया भैया? समझना पड़ेगा आप, वो सिखा मन सब सीखा है, तुम वो उल्टा सीखा है सब नहीं, वो तो अभ्यास नहीं किया ना, अभ्यास के लिए वो आगा से नहीं, जीना सच ही दूर किया गया, ये समझ आएगा भाई, ऐसी वस्तु है जो पदार्थ है अनंत, तो अनंत अनंत रहकर रहते हैं कि कोई में मिश्रण होकर रहते हैं? अनंत कब रहते हैं? अनंत, तो अनंत अनंत पर रहकर अपने में अस्तित्व आते हैं, तो आत्मा पर अनंत में एक चीज है तो पर अपने में रहकर अस्तित्व आते हैं, शरीर में एक चीज है शरीर अपने में रहकर शरीर उसकी अस्तित्व आते हैं, आत्मा क्या कारण अस्तित्व धरते हैं, शरीर के कारण आत्मा अस्थित धरते हैं, जो तो पहली चीज है। समझ आते नहीं? आई तो दूसरी बात है, धर्म जिसको जन्म मरण का नाश करना हो, दुख से मुक्ति करना हो, दुख से मुक्ति अनंत की प्राप्ति, उसको क्या करना पहले उसकी बात चलती है भैया, दूसरी बात तो होता। अरे यार जन्म मरण ना दुखो, तया गया नहीं भाई, एने तया से सांभे तो एने आत्म पड़े भाई, शू करे तो तू वर्तमान सिवाय दृष्टि गई नहीं, दीर्घ में दीर्घ दृष्टि करे, क्या हतो क्या हमें खा, किसे निगोध में एकंद्री में बेंद्री में ऐसी आता अपना ऐसा ठंडी, उसका संयोग से उत्पन्न हुआ कसाई का भाव, एक कसाई की अग्नि से बुझा हुआ है अनादि, विपरीत मान्यता वो भी कसाई है, और राग ने द्वेष एक कसाई है, कसाई अग्नि है, भगवान आत्मा कसाई से रहित शांत आनंद स्वरूप है, जो अनंत ज्ञान मूर्ति है वो कसाई अग्नि से रहित है, पर सहित मानकर जड़ा हुआ दुखी हुआ है, माना नहीं अपनी चीज क्या है खबर नहीं, स्वर्ण भूत चीज है त्या दृष्टि दिया नहीं, शरण नहीं या माना कहा हमको शरण होगा, शरीर शरण होगा, दवा पैसा लक्ष्मी आदि आप दोगड़े शरण नहीं भगवान, आई तो कहते हैं कि आत्मा का जिसको धर्म करना हो, जन्म मरण का दुख का अंत लाना हो, तो उसकी पहली क्या चीज करना कि पहले विकल्प सहित राग मिश्रित विचार में ऐसा में आत्मा उसका निर्णय करना। समझ में आया? हाँ 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 जी, आ खबर नहीं ले लो मुनि पना ले लो, ये हथियार है एक गण लेख बहु लिखे पर आ शू चालू आ मुनि पना लेख बड़ा लिखा है, हाँ बदा
एक एक मुनि बब्बे मुनि चचार मुनि ने पचास पचास अठा टीका खर्च बोझा वी गया आ शू थी आ क्रिया खाती मुनि पड़ा का शू एम दिखा जाए बहुत तो कौन पण सांभे पंडित हीरालाल खुशाल दास को कह को लिखते का शू हुआ कि काटे साधु है काटे क्या होते हैं तत्वों की खबर नहीं दृष्टि की खबर नहीं आचार में बड़ा बोझ हो गया है साधु ग्रस्त को साधु का बोझ हो गया है बे साधु आगे चार साधु कितना चौका करना पैसा पैसा खर्चना वो आते क्या हुआ साग भाजी इतना लंबा कैरी इतनी पकवान बनाना इतना न बनाना ना क्या करते हैं मुनि आ रहे भगवान क्या होता भाई ग्रस्त ने पण जेम बने तेम थोड़ा तृष्णा से ऐसा थोड़ा संयोग से निभाना ऐसा भाव है आ तो इतना इतना उपाधि एक एक जन को दस दस रुपया का खर्च अने खाना पीना का एक रुपया का दाल भात रोटी होता है उसे दस दस पंद्रह पंद्रह आ क्या हुआ मौत लिखा है खूब लिख लिखाई करूँ जैन संदेश में आया समझ में आया तत्वों की दृष्टि की खबर नहीं बाहर से नभाना अने पैसा देकर नभाने लिखा है भाई शेख पोते हो नहीं आप दाम में 500,000 आपी दिए पी भाई को बीजी बना रहे वो आ रहा है अति कई मारे से क्या दूसरा आ रहा है ऐसा लिखा है बहुत लिखा है अरे एम नभाव पता बायू मने मचा चले उसमें भोजन दे देते जमा उसे नभाव चले आज क्या होता है कई खबर नहीं पड़ती है अरे भगवान भाई ठीक है आई देखो अपने तो यहाँ बात अपनी बात है दूसरा की चलते हैं तो लोक में आती है यहाँ कहते हैं अरे मैं आत्मा प्रत्यक्ष अखंड किन मात्र ज्योति मेरा अस्तित्व पूर्ण है मेरा अस्तित्व पूर्ण है यूं कहते हैं मेरा ज्ञान अस्तित्व आनंद अस्तित्व अखंड में एक रूप में एक करना है एक करना है कहने अहम एको ये एक कार है आप मैं एक हूं कैसे एक हूं जो एक में दूसरा कोई चीज आई नहीं है अहम एको उसका शब्द है एक शब्द का सौंतीर का कहते हैं अहम मैं एको अहम मैं पहनाया है कैसा है मैं एको कैसा एक हूं मैं प्रत्यक्ष आ अखंड अनंत दिन मात्र ज्योति कहता है आत्मा अनार्यन को विशेषण दिया आत्मा का मैं प्रत्यक्ष अखंड अनंत दिन मात्र ज्योति आत्मा ऐसा मैं आत्मा पहले कहते हैं समझ में आया मैं आ और मैं अहंकार किया अरे एक अपर करते प्रत्यक्ष अखंड अनंत ज्ञान तीन एक ज्ञान ज्ञान परमात्मा स्वरूप में परम ज्ञान स्वरूप ऐसा ज्योति ऐसा मैं आत्मा कैसा है अरे वो तो भाव बताया भाव अरे काम बताते अनादि अनंत मैं तो अनादि अनंत हूं समझ में आया भाव समझे पहले हाँ पहले भाव बताया मैं आ प्रत्यक्ष अखंड प्रत्यक्ष चिन्ह मात्र अनंत चिन्ह मात्र ज्योति आत्मा वो तो ऐसा स्वभाव होता है अब एक काल कितना है कि अनादि अनंत मेरी आदि है नहीं अंत है नहीं अनादि अनंत मेरी चीज है अनादि अनंत है समझ में आया नया उत्पन्न हुआ शरीर में मनाश होता मैं तो अनादि अनंत हूं आदि नहीं अंत नहीं है उसकी शुरुआत कहां से आई है उसका नाश कहां से हो है उसकी उत्पत्ति कहां से हो है उसका अभाव कैसे हो मैं तो अनादि अनंत हूं समझ में आया पी नित्य उदय रूप देखो कैसे हैं अनादि अनंत में कायम प्रकट रूप हूं प्रकट वस्तु है वस्तु प्रकट मुक्ति का भी विज्ञान गम स्वभाव भाव के कारण मैं कायम प्रकट रूप वस्तु हूं शुद्ध ध्रुव चैतन अनंत ज्ञानमय कायम नित्य उदय रूप कायम प्रकट रूप वस्तु वस्तु ध्रुव चरित है
विघ्नांगन स्वभाव, उसमें अनंत चिन्ह मात्र ज्योति आत्मा का था, उसका वो नित्य प्रगट रूप विज्ञानगण स्वभाव भाव। मेरा तो विज्ञान एक किला ज्ञान विशेष ज्ञान का पिंड विज्ञान गण पिंड स्वभाव भावत्व के कारण एक हूं। समझ में आया? मेरा विज्ञान गण स्वभाव के कारण एक हूं, एम कह दिया। दूसरा क्या? दूसरा दूसरे के घर गया, सब आत्मा का एक हूं, ऐसी बात है ही नहीं है। समझ में आया? वो ये पहला शब्द में कितना लगता है, मैं आ प्रत्यक्ष अखंड एक रूप से न अखंड वस्तु से न अखंड अनंत बेहद अपरिमित ज्ञान मात्र आनंद मात्र आदि विशेष लेना सब में इन मात्र ज्ञान मात्र अनंत आनंद मात्र अनंत शुद्धता मात्र अनंत शांति मात्र अनंत वीर्य मात्र ऐसा अनंत अनंत चैतन्य ज्योति आत्मा अनादि अनंत हूं और नित्य प्रकट रूप हूं। कायम वस्तु रूप तो वस्तु तरीके ऐसी है, कैसा? विज्ञान घन स्वभाव के कारण विशेष विज्ञान घन स्वभाव, जिसमें विकल्प और एक समय की पर्याय का भी जिसमें प्रवेश नहीं। समझ में आया? हाँ मजूं पड़े ऊंचा जीऊ था चाली थी क्या? निरंतर है ना वस्तु, वस्तु निरंतर है, नित्य विज्ञान गण है। वो तो पहले काल लिया, इसे नित्य कायम ही मेरा विज्ञान भान गण स्वभाव पर मैं हूँ। कायमी असली नित्य विज्ञान गण स्वभाव पढ़ा के कारण देखो, विज्ञान गण स्वभाव भावत्व के कारण एक हूँ। इतिका की बात है, एक समय की पर्याय की बात ये नहीं, राजी मैं विज्ञान घन स्वभाव अनादि अनंत एक हूँ, अनादि अनंत एक हूँ। समझ में आया? ऐसा पहले राग मिश्रित विचार में निर्णय करना वही पहला मोक्ष का मार्ग पहली की विधि है। विधि का न पूछे, ये आत्मा किस विधि से अस्त्र निवृत्त होता है, हम कहा था ना विधि। समझ में आया? माते कहा था ना, जो कौन प्रश्न है वो खुद कहा था, किन विधि नम संस्कृत में कैन विधि नम आप अयम आश्रव्यो निवृत्त हो। संस्कृत भगवान अमृतचंद्र आचार्य का है, महामुनि संत दिगंबर आनंद संत में सुनने वाला परमेश्वर पद में मिला था। नमो लोई सवायम, ऐसा अमृतचंद्र आचार्य दिगंबर मुनि वनवास में रहने वाला, वो कहते हैं किस विधि से भगवान आत्मा वो विकार जो मिथ्या अमृत समाज कषाय आदि परिणाम विकारी है, उसे किस विधि से निवृत्त होता है, किस रीति से अभाव होता है उसका। तो कहते हैं हम पहले कहें कि ऐसा तुम निर्णय करो। समझ में आया? वो आश्रो फाश्रो मेरे में है ही नहीं, शरीर है नहीं, कर्म है नहीं, और एक समय की पर्याय जितना मैं हूं मैं। समझ में आया? मैं उसने आया ना वो अपने आत्मनिर्भर लाभ हेतु परिणाम आया टुकड़ा पंचाशी का परिणाम भाव की व्याख्या की अतिकाल ध्रुव की संस्कृत में आत्मद्रव लाभ हेतु परिणाम कहो। ये आत्मा अपना आत्म द्रव द्रव आत्मा है ना, वो आत्मा है अपना द्रव स्वरूप, उसका आत्मा द्रव आत्मा द्रव का स्वरूप द्रव आत्मा लाभ हेतु द्रव नाम वस्तु उसका आत्मा नाम स्वरूप उसका नाम लाभ नाम हयाती अपना वस्तु का स्वरूप की हयाती उसको भगवान परिणामी भाव कहते हैं, उसको ध्रुव भाव कहते हैं। समझ में आया? पंचासी कहीं में पंचासी चौपन का था। आत्मलाभ हेतु कह परिणाम संस्कृत है, जो आत्मा क्या है ध्रुव, पर्याय की बातियां नहीं, ध्रुव उसका खरा खरे खर स्वरूप है। देखो
पंडित जी संस्कृत देखा आपने, देखो संस्कृत देखो, भैया संस्कृत पढ़ने वाला तो देखो तुम्हारा चिन्ह किया लाभ द्रव आत्मलाभ हेतु परिणाम का उसकी व्याख्या चलती है। परिणाम के नाम वस्तु स्वभाव द्रव आत्मलाभ हेतु कहो संस्कृत अमृतचंद्राचार्य कहे वही बात अमृतचंद्राचार्य क्या करते हैं। द्रव इति वस्तु आत्मा के स्वरूप लाभ नाम हयाति आत्मा का स्वरूप की हयाति मौजूदगी का कारण वो परिणामी भाव कहते हैं वो द्रव भाव है। अब उसकी व्याख्या है समझ में आया। अरे मानो ने कहीं अभ्यास मंगल से जाने कहा क्या है पर ऐसी प्रत्यक्ष प्रकट रूप वस्तु है हम कहते हैं यहाँ अस्थि है कि नहीं सत है कि नहीं महास्वभाव का सागर सत है समझ में आया। ऐसे पहले राग मिश्रित विचार की भूमिका में भी ऐसा निर्णय करना मेरा कोई करता है और मैं राग सहित हूँ कर्म सहित ऐसा निर्णय नहीं करना एम कहते हैं निर्णय करी रखो निर्णय करेगा फिर भी नाचना मैं कर्म सहित हूँ राग सहित हूँ शरीर सहित ऐसा निर्णय किया फिर देना वो कहते हैं यहाँ है ही नहीं समझ में आया। आई तो इतनी बात करते हैं कि भगवान आत्मा अनादि अनंत अनंत चैत्र मात्र पृथक अखंड ज्योति निक प्रकट विज्ञान गण स्वभाव ओ काल में एक हूँ एक हूँ एक में बे है ऐसी बात है अनादि अनंत हो पर हूँ एक रूप हूँ जो भाषा है उसमें भी आई नहीं श्रीमद में जीव एक अखंड संपूर्ण दृढ़ हो आती जो उसमें आया तो खुणा में है बराज करे फूल की जीव एक अखंड संपूर्ण द्रव्यवा की तेनु ज्ञान सामर्थ संपूर्ण है ऐसा लेना संपूर्ण भीतराग हो वो संपूर्ण सर्वज्ञ हो का ज्ञान निकल उसमें श्रीमद का वाक्य श्रीमद राजचंद्र खुणा में खुणा में वहां से वहां सकते हैं बोलो जी क्या उसका अपने हिंदी में अर्थ करें जीव एक आगे का है ना एक अपना अपना एक और दूसरा सबको एक में एक और अखंड है देखो श्रीमद का भाई एक अखंड और संपूर्ण पदार्थ है संपूर्ण अखा एक संपूर्ण पदार्थ होने से किसका ज्ञान सामर्थ अपने अनंत आया ने अनंत मात्र बस जिसका ज्ञान सामर्थ संपूर्ण है जिसका ज्ञान सामर्थ संपूर्ण है जीव एक अखंड संपूर्ण द्रव्य वस्तु होने से इसका ज्ञान स्वभाव का सामर्थ्य की शक्ति संपूर्ण है और संपूर्ण वितराग हो ये संपूर्ण सर्वज्ञ हो जिसको संपूर्ण वितराग दिशा प्रकट थाय वो संपूर्ण सर्वज्ञ हो ये बिना रहे नहीं इतना टुकड़ा है श्रीमद राजचंद्र का समझ में आया। बात तो ऐसी है सरल सिद्ध पर ऐसी वंक कर दी दिया है ना कि जिसने अभ्यास नहीं जाने खाते क्या है आदि कर दिया कहते हैं मैं तो विज्ञान गण स्वभाव भाव को देव विज्ञान गण स्वभाव भावत्व के कारण आवा भावपना के कारण एक हूं ऐसा विकल्प करना विकल्प से निर्णय करना पिछाएगा जैसे समुद्र में भंवर में जब वाहन पकड़ा जाता है और भंवर छूट जाता है भंवर समझे भंवरी वो आई वाहन वाहन समुद्र के भंवर की भांति वो छूट गया वाहन छूट गया भंवरी में वाहन ऐसे अनादि से विकल्प की जाल में आत्मा भंवरी में गूठा खाते थे
तो एक भमर छूट जाने से वो जन समुद्र वहां छूट गया। ऐसे ऐसा निर्णय करके पीछे स्वरूप का एकाग्र होकर विकल्प का चक्र में जो डूबा था छोड़ देते हैं, अपना आत्मा छूट जाता है, सम्यक दर्शन में विकल्प से छूट जाता है। समझ में आया भैया? हाँ हाँ हाँ, तो समझना है भाषा है, ऐसी कोई गुड नहीं है, तुम तो बड़ा क्वालिटी है मानस। एक हूं उसकी व्याख्या हुई, अहम एक को इतना हुआ, अहम ने नाम ने एक को एक करके व्याख्या इतना किया। हमें होती है शुद्धो, दूसरा शब्द है अंदर गाथा का शुद्धो, मैं शुद्ध हूं, एक हूं शुद्ध हूं, ऐसा जी निर्णय करते हैं विकल्प द्वारा, पीछे विकल्प स्वभाव को आश्रय करके छोड़ देते हैं। हमें कर्ता कर्म कर्म संप्रदान अपादान अधिक अनुभव सर्वकारकों के समूह की प्रक्रिया के पार को प्राप्त निर्मल अनुभूति, उस अनुभूति मात्रपने से शुद्ध हूं। मैं उसकी व्याख्या, मैं कहता हूं कि मेरे सिवाय आत्मा दूसरा और लक्षण दूसरा, उसका मैं करता और उसका मेरा काम, उसका मैं साधन, उसको मैं रखता हूं, उससे मैं रहता हूं और उसका मेरा आधार है, अतः मेरा आधार उसके ये रहित हूं, मेरा षटकारक पर से रहित हूं, पर का षटकारक मेरे से है नहीं, वो शरीर का मैं करता, शरीर मेरा काम, शरीर में साधन, मैं साधन हूं तो शरीर, ऐसा कुछ है नहीं, षटकारक जड़ का ने पर का मेरे से है नहीं, ऐसे निर्णय करना है। अजीत पीछे आएगा, अब एक बात क्या अजीत पीछे दूसरा, राग आदि होता है विकार, उसका मैं करता, विकार मेरा कार्य, उसका मैं साधन, वो भी मेरा नहीं, सरकार से राग से भिन्न हूं, वर्द्रव्य का कार्य से भिन्न हूं, पर पुण्य का विकल्प व्यवहार रत्नंत्र का विकल्प ऐसा निर्णय करते हैं। देखो विकल्प जो उठते हैं शुभ राग, उसका मैं करता, शुभ राग मेरा काम, उसका मैं साधन में अपने में रखूं और अपने आधार से बना, ऐसा राग का सटकार से भी मैं रहित हूं। पीछे तीसरा तीसरा क्या कि मैं आत्मा ज्ञाता करता और मेरी निर्मावस्था मेरा कार्य और निर्मावस्था का मैं साधन, निर्मावस्था में करके रखी, निर्मावस्था अपने से हुई, निर्मावस्था अपने आधार से हुई, ऐसा सटकार कभी मैं रही हूं। अरे यही तो जी, मैं पर का करता मेरा कार्य जी, तो पहले तोड़े मारा, अरे क्या भगवान तुम क्यों करे था, कर्म का कर्ता मानो, पर का कर्ता मानो, निमित्त से तो करता है कि नहीं, पर का निमित्त से करता है, अरे प्रभु शू करे तुम्हारा, भगवान तेरा स्वभाव उस पर का द्रव का छटकार तो है नहीं, उन पाप का राग का व्यवहार रत्नत्री का विकल्प का कर्ता कर्म भी तेरा नहीं, पर निर्मल पर्याय तेरी हो तो पहले से निर्णय करते हैं, मेरा भेद जो कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण होता है, ऐसा भेद रूप में नहीं, तो शुद्ध हूं। समझ में आया? शुद्ध की व्याख्या करते हैं, अहम खड़ो शुद्धो, मैं शुद्ध हूं, शुद्ध की व्याख्या कि ऐसा कर्ता कर्म की क्रिया का षटकारक जो है वो भी अशुद्ध है, भेद ही अशुद्ध है, वो अशुद्धता से मैं रहित हूं, मैं तो एक लाख ज्ञाता दृष्टा शुद्ध, मेरे कर्ता कर्म का भेद भी मेरे में, नहीं तो जी पर का कर्ता मानो नहीं एकांत हो जाता है, अरे भगवान शू करे भाई, आ नहीं क्या शरण मवे क्या नियमन जी कदर जी कहा, भारी अच्छी बात करते हो, यहाँ नहीं चले अंदर में, बाहर का कर्ता मानने वाला अंदर में जा सके नहीं, क्योंकि बड़ी दृष्टि हुई नया, हा तो अंतर्मुख दृष्टि करने में विकल्प का निर्णय में ऐसा पहले आता है, हम कहते हैं समझ में आया, भगवान आत्मा मैं शुद्ध हूँ,
ऐसे विकल्प से राजमिस्त्री विचार से निर्णय करते हैं, पर उसमें मैं निर्णय तो ऐसा कि मैं पर का कर्ता कर्म काज तो मेरे में है ही नहीं, पर का आधार में नहीं, मैं हूं तो शरीर रहते हैं, मैं हूं तो कर्म रहते हैं, मैं हूं तो राग रहते हैं, ये भी मेरे में नहीं। विकर्म जो आश्रम का विकर्म जो चलते हैं वो भी मैं हूं तो मेरे आधार विकल्प उत्पन्न हुआ और रहते हैं कि मैं नहीं, वो तो नहीं, पर छह का भेद पार कर जो विकल्प उठते हैं वो भी मैं नहीं। समझ में आया? टिकाव की बात चलती है, ध्रुव टिकाव ध्रुव कहते हैं, कर्ता स्वतंत्रपणे करे सो कर्ता, उसकी व्याख्या हो निशाल में है, विभक्ति चलती है ना, छत विभक्ति व्याख्या में आया कि नहीं, कर्ता किसको कहते हैं सुनाए नहीं, व्याकरण में आते हैं व्याकरण, स्वतंत्रपणे करे सो कर्ता और कर्ता का इष्ट सो कर्म, कर्ता का प्रिय उसका कार्य। तो अज्ञानी कर्ता राग का होता है, उसका इष्ट राग, राग उसका कार्य है, ज्ञानी कर्ता अपना होता है तो उसकी प्रिया इष्ट नाम उसका कार्य है, पर भेद नहीं हम कहते हैं। समझ में आया? आई तो त्रिकाल में पर्याय भेद नहीं लेना है, मैं कर्ता और निर्मल पर्याय मेरा कार्य हो नहीं, मैं तो अभी शुद्ध हूँ। तो पहला ध्रुव की बात चलती है ना, मैं कर्ता और शरीर आदि पर अवस्था का कार्य मेरा व्यवहार है, ऐसा मैं हूं नहीं, और मैं कर्ता और दयादान व्रत देवगुरु शास्त्री श्रद्धा का राज उसका मैं मेरा कार्य मैं कर्ता ऐसा मैं हूं नहीं, और मेरा ध्रुव स्वरूप में भेद अभेद में मैं ज्ञाता कर्ता और मेरी निर्मल क्रिया कार्य ऐसा अभेद में है नहीं। सुन बात है भैया, कर्ता कर्म की बात, कर्ता कर्म चलते है नहीं तो मैं ज्ञाता और ज्ञाता वस्तु शुद्ध ध्रुव उसकी निर्मल पर्याय का करने वाला ना नहीं। ओ हो हो संबंध में नहीं, मंद मोक्षना कारण ने मंद मोक्षना परिणाम रहित ध्रुव स्वरूप है भगवान आत्मा। तो मंद मोक्षना कारण रूप परिणाम और मंद मोक्ष रूपी परिणाम उससे रहित निष्क्रिय भगवान ध्रुव उसको यहाँ शुद्ध कहने में आता है। समझ में आया? बंद मोक्ष का परिणाम, बंद का बंद है उसका कारण है ना राग द्वेष मिथ्याता, वो परिणाम से मैं रही और मोक्ष का कारण सम्यक दर्शन चारित्र परिणाम उससे मैं रही और बंद का भाव और मोक्ष का भाव पर्याय उससे भी रही, सिद्ध की पर्याय ने मोक्ष संसार की पर्याय से रहित मैं हूँ। नो याद हो चाहिए भाई काल गुमस्ता नदी गयु थो नहीं आई तो नया जो उसमें ऐसा है समझे उसका सुविधा ऐसा वो संस्कृत में ऐसा है वो रूल बात ही अमृत चंद्र से अपने यहाँ कहते हैं मैं भी वो है शुद्ध परिणामिक भाव बंध का कारणभूत क्रिया रागादि प्रणति ते रूप नहीं और मोक्ष का कारणभूत क्रिया सद्भावना प्रणति रूप नहीं माके जानवाना आते हैं शुद्ध परिणामिक भाव ओ मैं नहीं राग द्वेष आदि नहीं उसका कारण है परम भाव लक्षण आते हैं शुरुआत पहले उपादान से शुद्ध ज्ञान पर जीवित है जाने से शुद्ध ज्ञान पर अपना भेद थी नहीं बीजा पाक बीजा कार्यक्रम शुद्ध द्वैतिक नहीं है जीव कर्तृत्व भुक्त थी मन मोक्षना कार्य में परिणाम शिक्षण है जैसा आचार्य ने सिखा है क्या जीव भगवान कर्तृत्व भुक्त तिथि रहित और बंद मोक्षना कारण
उसने रही और बंद मोक्ष ना परिणाम उसने रही फिर ऐसा मैं हूं। समझ में आया? वस्तु यहाँ ध्रुव से ध्रुव वस्तु एक रूप द्रव्य आत्मलाभ हेतु परिणामी पर मैं शोध हूँ। मेरे में मुख की अवस्था भी नहीं संसार की अवस्था भी नहीं अने उसका कारण रूप मोक्ष ने कारण रूप मार्ग वो मैं नहीं मेरे में है नहीं। मैं तो ध्रुव एक रूप हूँ। ऐसी निर्णय विकल्प से करना पीछे ध्रुव को देख करके सम्यक दर्शन प्राप्त करना वो पहला मोक्ष का मार्ग है। भैया परसे सुन रहे अपना फ्लॉस है बड़ा है परसे सुन रहे अपने से परिपूर्ण है परसे मानते हम सप्तम को ऐसा लिया है प्रभु संसार में कि अपना आनंद आदि संपूर्ण स्वभाव से अशून्य है और विकार आदि से शून्य है। प्रवचन सन भाई हम बिल्लू सन है शब्दभंगी प्रवचन सार ने शब्दभंगी लिया है पर से शून्य अपने से अशून्य भगवान आत्मा ज्ञान आनंद परिपूर्ण स्वभाव से मैं अशून्य हूँ अशून्य भरपूर हूँ मेरा ज्ञान दर्शन आनंद से मैं परिपूर्ण हूँ और उन पाप विकल्प आदि शरीर आदि परदृश्य से मैं शून्य हूँ मैं शून्य हूँ पर से मैं खाली हूँ पर से मैं रहित हूँ। समझ में आया? आज सुन सुन करते ना किताब हमारा सुन हो जाए क्या सुन हो जाए पर सुन की दृष्टि बिना सुन होता ही नहीं था। रजनी बजनी करते ना हमारा बहुत लोगों को ऐसा ध्यान नहीं कर तो परिपूर्ण भगवान को ऐसे अस्थि से लिया देखो ऐसा मैं हूँ ऐसी दृष्टि होने से राजादि पुण्यादि एक समय की परियादि से मैं शून्य हूँ द्रव्य मेरा द्रव्य है नहीं तब विकल्प का नाश होता है। आया ऐसा विकल्प का नाश करो विकल्प क्या नाश करे अस्तित्व महान अस्तित्व एक रूप सुदखन ने सटकार रहित ऐसा अभेद चीज है उसकी दृष्टि करने से महासत्ता ऊपर लक्ष्य करने से पर्याय में विकल्प उत्पन्न होता है उसका नाश होता है। दूसरा कोई इसी रीत ने विधि विधि बताते हैं। समझ में आया? योग करो योग करो योग साधन क्या योग करे किसमें जोड़ान योग नाम युद्ध धातु है युद्ध नाम जोड़ान करना किसमें जोड़ान कोई चीज है कि नहीं युद्ध धातु है ना वो योग 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 इसमें जो ना उसमें करना ऐसा पहले निर्णय करना मैं परिपूर्ण भगवान आत्मा शोध सटकार का भेद से रहित अभेद को होकर शुद्ध को गया भेद से रहित अनेकपना हुई अशुद्ध है। समझ में है? अशुद्ध एक ही वस्तु भेद से रहित ऐसा मैं हूँ ऐसा विकल्प द्वारा पहले निर्णय करते हैं पीछे शुद्ध शुद्ध जैसा निर्णय किया था उस तरफ में लक्ष्य करके उसकी आस्था में गए उसका आश्रय में गए तो विकल्प की एकता टूट जाती है। उसका नाम निर्विकल्प सम्यक दर्शन कहने में आता कि चौथे से उत्पन्न होता ये चर्चा ही मोटी चर्चा हमारा नीचे समझ चौथे वही नहीं एक होनगढ़ना नेताओं भूले थे मोटी भूल करे मोटवा इंसान अरे हम बने भगवान तो नहीं खबर वस्तु के नीचे नाम सत्य सच का प्रकट होना चौथे से होता है। अरे व्यवहार संकेत संकेत ही है नहीं व्यवहार तो राग है संकेत नहीं पर्याय है राग है राग तो चारित्र विपरीत पर्याय है ने तो आरोप देखकर व्यवहार संकेत कहा है आए तो पहले ऐसे निर्णय करते हैं ऐसा सर्वकारकों की समूह प्रक्रिया उसका भेद उसका पार को प्राप्त ऐसा निर्मल अनुभूति पर्याय की बात नहीं होगा निर्मल अनुभव त्रिकाल ऐसा उस अनुभूति मात्र पर शुद्ध हूँ त्रिकाल अनुभव मात्र स्वभाव में शुद्ध हूँ मेरा स्वभाव त्रिकाल अनुभव से मैं शुद्ध हूँ अनुभूति पर्याय की बात यहाँ नहीं श्लोक का गाथा बहुत ऊंची है वो विकराल दर्शन ना आत्म तत्व नी पहली दशा है
तो बात होता विकल्प हमेशा कैसा है विकल्प है विकल्प आ तो है पर ऐसा वास्तविक तत्व है ऐसा प्रमाण से निर्णय नहीं करे बिना जेम तेम निर्णय करेगा तो उसको अनुभव होगा नहीं सच है ऐसा निर्णय करे तो सत मिलेगा ऐसे विपरीत निर्णय करे तो सत कभी मिलेगा सर्वज्ञा परमेश्वर वितराग केवल ज्ञानी ऐसा आत्मा देखा है एक एक आत्मा ऐसा आत्मा ऐसा है एक प्रमाण पहले राग मिश्री विचार करे तो पहली भूमिका में वो विचार आता है पीछे वस्तु की दृष्टि करने विकल्प छूट जाए सत्य का ऐसा विकल्प हो तो पीछे सत्य का आश्रय करके विकल्प छूट जाए उसके नाम राग रहित आत्मा का सम्यक दर्शन आत्मा का अनुभव आत्मा का साक्षात्कार कहने में आता समझ में आया तेरा कहा मैं प्रत्यक्ष होने लगा प्रत्यक्ष हूँ रूप है ना कि नहीं ऐसा मैं नहीं ख्याल में नहीं आता है ना ऐसा मैं नहीं समझ में आया अरे मूल चीज पर ख्याल में न आवे अने उसको सम्यक दर्शन हो जाए धर्म हो जाए कहां से आती है धर्म की खान तो आत्मा ध्रुव है अनंत आनंद ज्ञान अरे सम्यक दर्शन चारित्र की पर्याय जो पूर्ण है कि केवल ज्ञान की पूर्ण है सब पर्याय का पिंड तो आत्मा है आत्मा में सो आती पर्याय बात आती है समझ में आया ऐसा भगवान आत्मा तो व्यवहार करो व्यवहार से नीचे होता है अरे भगवान ऐसा आत्मा है नहीं तू कहते ऐसा है नहीं तो ऊंधा उल्टा में जाए समझ में आया और एक समय की पर्याय का ज्ञान वो भी ज्ञान नहीं असर आया था भाई बोला मैं नहीं नमो समय सारे आज सुना है नमो समय कि जो अजीव है पुद्गल कहते हैं कर्म का ज्ञान करो कर्म सिद्धांत पढ़ो कर्म सिद्धांत पढ़ो आए तो कहते हैं कि कर्म जड़ है और उसमें ज्ञान सुख नहीं अने कर्म का जानने वाला को भी ज्ञान सुख स्वयं आया था पहला कोर्स में समझ में आया अपना आनंद शुद्ध चैतन्य है वो तरफ का ज्ञान वो ज्ञान में सुख उसका नाम ज्ञान सुख कहते हैं पर मैं तो ज्ञान सुख है नहीं निगोद में संसारी जीव में शुद्ध प्राणी में शुद्ध में है पर शुद्ध का अपना शुद्ध करे तो पर में शुद्ध है ऐसा ज्ञान में सुख होता है पांच द्रव्य में आत्मा शिवाय वो जो पांच है ना अपना शुद्ध शिवाय दूसरा अशुद्ध आत्मा वो अनंत उसमें ज्ञान सुख नहीं और परमाणु से मानकर अचित माखन के कर्म में ज्ञान सुख नहीं और कर्म के जानने वाले को भी ज्ञान सुख नहीं स्वतंत्र में पैसे लेते हैं बस कर्म प्रकृति जाने ऐसा उदय ऐसी सत्ता ऐसा मन ऐसे समय में इतना प्रकृति का मन होता है ऐसा सत्ता है तो बहुत ज्ञान है ऐसा तो ना पा रहे थे कर्म का कर्म में तो ज्ञान सुख नहीं जड़ है तो परमाणु है माटी है आ उसका जानने वाला जाना राष्ट्रीय प्रत्याय होती है जानने वाले को ज्ञान नहीं क्या वो परस्पर सत्तावलंबी ज्ञान को ज्ञान कहते नहीं अपना ज्ञान शुद्ध चैतन्य मूर्ति अशुद्ध अशुद्ध आया न शुद्ध स्वरूप जी अभेद उसका ज्ञान अंतर से आया उसको ज्ञान कहते हैं जहाँ अंतर से आया ज्ञान उसमें सुख भी साथ में है उसको ज्ञान में सुख कहते हैं उसको सार कहते हैं दूसरा को सार कहते हैं समझ में आया मैं तो बस कर्म ऐसा जानो कर्म ही प्रकृति इच्छा गुणता में से उदय आता है ऐसी सत्ता रहती है ऐसा संक्रमण होता है ऐसा उद्घर्षण होता है पर अभी तो जड़ में तेरा क्या है यार अब जड़ में उसका ज्ञान तेने किया तो एक सुख संपदा लंबी है अज्ञान है दुख रूप है सुख रूप ज्ञान है ही नहीं एम कहते हैं भांग जाने करीज नहीं आगे बस ओहो कर्म प्रकृति नु ज्ञान जड़ नु ज्ञान थे तुम भी जड़ है ये ज्ञान ही जड़ है हम कहते हैं कि चैतन्य ज्ञान है नहीं भगवान चैतन्य ज्योत सर्व भगवान आत्मा सर्वज्ञ अनंत चैतन्य मात्र प्रभु उसका अंतर अवलंबन लेकर जो ज्ञान की पर्याय प्रकट हुई उसको ज्ञान कहते हैं उसको सुख कहते हैं उसको सार कहते हैं असमय सार उसको कहते हैं समझ में आया शिवजी जी वो समय सार बाकी जड़ सार जड़ सार एक नहीं निकलते लकड़ी में होता है ना लकड़ा होते लकड़ी के अंदर
શું કહેવાય અંદર ને ખાનગી રાખે છે ને ગુપ્તી. મને આવ્યા છે એક ભાઈ ગણિત ખુરશી લાગ્યા હતા આપણે ભાઈ છત્રી શાંતિભાઈ કડિયાળી આવ્યા હતા લાકડી હતી આપણી મારા આવ્યા ને કે લાકડી બી છે ને છત્રી છે એમાં છત્રી પછી અંદર છત્રી કાકા વાત છે બહુ સારી છે ઊંચી છે અમે રાખતો નથી શાંતિભાઈ નહીં લાકડી જાઓ ફક્ત આવડી લાકડી લાગી લકડી છે ને ઉમે છત્રી હૈ પુલાણ મેં હે ને તો અંદર મૂળ લાકડા હોતા ને ઉમે સારો હે બચ મેં કઠાર કહેતા બીચલા કઠણ હોતા શીશમ કેમ છે મજબૂત ઉસકો સાર કહેતા આદમી યા વિતરાગી ભાવ હો ઉસે સાર હૈ સમજાયા ક્યોંકિ વિતરાગી સ્વભાવ આત્મા કા હૈ આત્મા વિતરાગ સ્વભાવ હૈ આત્મા એટલે વિતરાગ સ્વભાવ उसका आश्रय करने से वितरागी पर्याय प्रकट हो उसको नाम सार कहते हैं. समझ में आया. बाकी शास्त्र ज्ञान भी सार नहीं पुद्गल का ज्ञान सार नहीं अनंत एकंद्री जीव है अनंत निबोध है अनंत ऐसा है ऐसा फैसा है बेन्द्रीय असंख्य इंद्रिय असंग है चौंद्रीय असंख्य है ये सब तुम जान तो उसको भी ज्ञान नहीं तेरे जानने में ज्ञान सुख नहीं लगे ये विचार पर का है मैं तेरे क्या ज्ञान आया કહેતા ને હું જે વિચારો છે ભૂલમે નહીં પરજીવ કા વિચાર નહીં તું તો સહી અહીં તો અપના આત્મા શોધ ષડકાર સે ભેદ રહી એસા નિર્ણય કરકે વિકલ્પ મેં શુદ્ધ સ્વભાવ કા આશ્રય કરકે વિકલ્પ છૂટ જાના ઓર જ્ઞાન કી પર્યાય પ્રગટ પ્રત્યક્ષ મેં હોના ઉસકા નામ જ્ઞાન ને સુખ ને ધર્મ શાંતિ કહેતે સમજ ના આયા નાથે નહી ભાઈ જો અંતરિક્ષ ભગવાન હે અંતરિક્ષ કહેતા ને ત્યાં અદ્ધર રહેતા આ ભગવાન અદ્ધર રહેતા વિકલ્પ અદ્ધર રહેતો દિન એમ કે હું અંતરિક્ષ ભગવાન હે સમજ ના આયા તો બહાર કી બાત હે ભગવાન અહીં તો ગગન મંડળ મેં કહેતા ને આ અડબીટ કુ અદ્ધર રહેતા આ આત્મા કોઈ કા આધાર નહીં વિકલ્પ કા આધાર નહીં આકાશ કા આધાર નહીં કોઈ કા આધાર નહીં એસે ચૈતન અમૃત કા પિંડ ભગવાન બિરાજતે હૈ વો શુદ્ધ હૈ ષટકારક કા ભેદ સે રહિત હૈ ઉસકો યહાં શુદ્ધ કહેતે હૈ એકલા અમૃત કા પિંડ હૈ આ ઉસકી અંતરદ્રષ્ટિ કરને સે અમૃત મિલે ઉસકો સારને સુખ કહેને મે તો સમજ મે આયા તો દો બોલ હુઆ સિસ્સા બોલ કેગા નિમ્મ મો દો તીસ કહી.